हमारे महोत्सव के सांसद इस साल आगरा में हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है लगातार विकल्प नए नए प्रावधान और मुझे लगता है बहुत बड़ा अवसर है। आगरा में भारत केसरी कुश्ती संघ का आयोजन करने हर प्रदेश से करीब 6 पहलवान इसमें हिस्सा लेने के 150 पहलवान यहाँ पे अपने हाथ आजमाएंगे। बड़े पहलवान कौन कौन है जो यहाँ विशेष? सभी इतने देश के पहलवान है जो कुश्ती में लड़ेंगे। उसके अलावा जो देश के सर्वश्रेष्ठ पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त और नरसिंह यादव वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जो पहलवान नहीं है वो इधर शुभारम्भ हो रहा है और उधर पहलवान है वो इधर आ गया। कुश्ती का दलंगल पहलवानों के द्वारा नहीं हुआ है बार बार और ना ही आगरा महोत्सव कभी हुआ। कल आगरा महोत्सव का उद्घाटन भी हुआ है सावन के आधुनाए दस दिन का ये कार्यक्रम है। अच्छी शुरुआत हो रही है क्योंकि आगरा ऐतिहासिक शहर होने के बाद भी कभी भी महोत्सव जैसे इस तरह कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं महोत्सव अन्य प्रकार के देश के अंदर महोत्सव चलते हैं लेकिन आगरा में महोत्सव नहीं था। टूरिस्ट प्रदेश टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा ये हब भी है आगरा बहुत टूरिस्ट भी आता है बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। पहलवानों को जब आज कुश्ती का दंगल हुआ है और मुझे लगता है की आने वाले समय में आगरा महोत्सव भारत का प्रमुख महोत्सव बनेगा।